हमारे देश में एक कहावत बड़ा आसान तौर पे समझिए कि राजा का बेटा अब राजा नहीं बनेगा, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। जैसा कि त्रिवेणी मुखिया ने आज साबित करके दिखाया, क्योंकि ये हकदार थे और इन्होंने अपने हक के लिए अपने लोगों के बीच में खड़े हुए, राजा का बेटा अब राजा नहीं बनेगा, इस बात को साबित त्रिवेणी मुखिया ने कर दिया कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बल्कि हकदार राजा बनेगा। और इस वक्त मैं बिरोल में हूँ और बिरोल में मत्स्यजीवी सहयोग समिति का कल चुनाव हुआ और चुनाव का जो रिजल्ट आया, आज उस रिजल्ट के खुशी में पूरा गांव, पूरा इलाका, पूरा बिरोल प्रखंड झूम रही है। क्यों झूम रही है वो मैं आपको दिखाता हूं। हमारे बीच मत्स्यजीवी सहयोग समिति से इस बार चुनाव नव निर्वाचित जीत के आए हैं त्रिवेणी मुखिया जी हैं, मंत्री पद पर चुनाव जीते हैं और इनके साथ ये जितने भी ग्रामीण यहाँ पर मौजूद है ये सब इनके खुशी में शामिल है। ये खुशी का एक ऐसा पल है जिस पल हमेशा 5 साल तक इन सभी को याद रहेगा और अगले बार जब फिर चुनाव आएगा तो उस चुनाव में फिर त्रिवेणी जी जब चुनाव के उम्मीदवार होंगे तब ये लोग फिर इनके सपोर्ट में, इनके समर्थन में इसी तरह खड़े रहेंगे। और आज त्रिवेणी जी अकेले नहीं चुनाव जीते हैं, पूरे बिरोल के जितने भी मत्स्य विभाग के जितने भी जो सहयोगी थे इनके या फिर जितने भी मछुआरा समाज के जो भी इनके जो जन समर्थक था, जो भी इनके मतदाता थे, उन सभी ने सहयोग किया और उनके एक एक वोट की कीमत आज इनको एहसास हुआ और उनके वोट की कीमत आज समझ में आया कि त्रिवेणी मुखिया के आने के बाद क्या कुछ बदलाव होगा। क्योंकि इससे पहले जो भी मत्स्यजीवी सहयोग समिति में मंत्री पद पर रहे, 5 साल का जो कार्यकाल रहा वो कैसा रहा वो आप लोग भली भांति जानते हैं। जब पिछली बार हम वीडियो बना रहे थे जब नामांकन रैली निकल रही थी और उस समय नामांकन रैली में त्रिवेणी जी हमारे बगल में खड़े थे और तब इनके पीछे जो समर्थक था, जन सैलाब देख कर मुझे इस बात की आशंका और इस बात का आभास हो गया था कि इस बार त्रिवेणी मुखिया जी छोट कम मात्रा में नहीं बल्कि सबसे अधिक मात्रा वोट लाकर चुनाव में जीत हासिल करेंगे। और शायद वैसा हुआ भी क्योंकि आंकड़ा जो था वो बिल्कुल सही और सत्य निकला, क्योंकि ये सभी जितने भी मछुआरा समाज के लोग हैं इनके साथ खड़े रहे, दिन रात इनके साथ घूमे, इनके कदमों से कदम मिलाकर चले और इनका परिणाम आज आपके आंखों के सामने है। मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि जोरदार तालियों से एक बार इनका स्वागत करें। मत्स्यजीवी का चुनाव कितना कठिन हुआ ये सभी जानते हैं। बिरोल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि मत्स्यजीवी ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है और त्रिवेणी मुखिया जब चुनाव में जीत कर आए हैं। इनका बहुत सारा मुद्दा था, अभी शायद बताने में असमर्थ इसलिए होंगे क्योंकि जीत कर आए हैं। रात सुबह 6 बजे तक आज मतगणना हुआ है, रिजल्ट आया है, उसके बाद जब गाँव लौटे हैं तो सही से सो नहीं पाए हैं, दोपहर के 1 बज चुके हैं और अभी तक नींद पूरी नहीं हो पाई है। लेकिन इस परिस्थिति में अपने समर्थकों के बीच आकर खड़ा है, मैं इनके हौसले को सलाम करता हूँ। सबसे पहले त्रिवेणी मुखिया जी आपका मोबाइल रिपोर्टर में एक बार फिर से स्वागत है। पहली बार जब आपसे मिले थे तब वो खुशी आपके चेहरा पता और आज जो मिले ऐसा लग रहा है कि आज जीत कर आप भावुक हो चुके हैं। जी सबसे पहले हम बिरोलवासी के धन्यवाद करे चाहे छी कि ज़्यादा ज़्यादा वोट दे के हमरा जितेलों, ओके लिए सबसे हम आग्रह करे छी कि हमरा यह आशीर्वाद बना के रखने रहो ताकि हम 5 साल तक काम कर अहाँ सबके लिए काम कह सके छी। अच्छा एक सवाल सिर्फ आपसे रहेगा क्योंकि ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे, ज़्यादा सवाल आपसे नहीं करेंगे क्योंकि रात भर थक चुके हैं। मेरा एक ही सवाल हमेशा उस उम्मीदवार से होता है जब चुनाव जीत कर आते हैं तो जिस उम्मीद के साथ, जिस भरोसे के साथ ये जनता ने आपको चुना है उसके भरोसे पर किस तरह खड़ा उतरेंगे और मछुआ समाज के लिए क्या कुछ करेंगे? क्योंकि लगभग इससे पहले जितने भी उम्मीदवार रहे और आपसे पहले जो उम्मीदवार थे, मैं उनकी काम का वर्णन नहीं कर सकता, मैं उनके काम का गणना नहीं कर सकता, लेकिन आपसे सवाल जरूर करूंगा कि आप जीत कर आए हैं और इन्हीं लोगों के बदौलत जीते हैं तो मछुआ समाज के लिए क्या कुछ नया करने जा रहे हैं और क्या कुछ करेंगे जिससे लोगों का भरोसा और यकीन आप पर बढ़े? हम तो यही चाहेंगे जितना भी मेरा मछुआरा भाई है, हम चाहेंगे उनके लिए नया से नया कोई काम दिया जाए ताकि वो गांव में रह के ही गुजारा अपना कर लें। एक और सवाल है त्रिवेणी जी कि मछुआ समाज के लोगों को मछली पालन का जो स्रोत है ये उनके जीविका से जुड़ा हुआ है और ऐसे में क्या होता है, मैंने कई बार देखा है बिरोल प्रखंड के बहुत सारे ऐसे तालाब है जिसमें मछली पालन तो होती है लेकिन वो मछुआ समाज को नहीं देकर किसी और लोगों को दे दी जाती है, जिसका कई बार मछुआ समाज के द्वारा विरोध भी किया गया लेकिन फिर भी जो मंत्री पद पर, जो अध्यक्ष के पद पर है, उनके आंखों के नीचे थोड़ा सा भी धूल नहीं आया कि एक निगाह उनके तरफ देख लें कि हमारे भाई जो मछुआ समाज जिन्होंने हमें चुना है, हमें वोट देकर यहाँ तक भेजा है, आखिरकार हम उनके लिए काम क्यों नहीं कर रहे हैं? आप क्या करेंगे उसके लिए? जी हम तो
हम तो चाहेंगे जितना भी मेरा तालाब होगा वो हम चाहेंगे कि मेरा अपना जाति भाई जोते अनकास्ट को हम नहीं देंगे। बिल्कुल, क्योंकि मखाना की खेती है वो भी आपके भाई ब्रदर ही करें जी, क्योंकि जिनको जानकारी, देखिए हमारे देश में एक कहावत बड़ा आसान तौर पे समझिए कि राजा का बेटा आप राजा नहीं बनेगा जी, जी। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा, जैसा कि त्रिवेणी मुखिया ने आज साबित करके दिखाया, क्योंकि ये हकदार थे और इन्होंने अपने हक के लिए अपने लोगों के बीच में खड़े हुए। राजा का बेटा अब राजा नहीं बनेगा, इस बात को साबित त्रिवेणी मुखिया ने कर दिया कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बल्कि हकदार राजा बनेगा, और इन्होंने राजा बनकर दिखाया भी है, क्योंकि ये उस लायक थे और हकदार भी थे। मैंने पिछले वीडियो में लगातार चीख चीख कर यही कहा था कि सभी जितने भी समर्थक हैं इनको वोट दीजिए, क्योंकि इनसे बहुत सारी उम्मीदें हैं। जैसा कि इन्होंने कहा कि मछली पालन और मखान पालन ये मछुआ समाज के लिए सबसे बड़ा जीविका का स्रोत है, और ये दोनों आपसे छिन चुका है। अभी मैंने देखा कि मछुआ समाज का जो काम है वो दूसरे लोग कर रहे हैं, क्यों करेंगे, जिनके लिए जो काम है वो करें, जिनका जो हक है उनका हक न छीना जाए। और इसी के लिए मैं आपको एक बार फिर से तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, और अगले 5 साल के बाद जब आपका कार्यकाल पूरा समापन पे आएगा मैं फिर आपके पास आऊंगा और फिर मैं आपसे इसी तरह सवाल करूंगा आपने 5 साल में कितना काम किया। चलिए आपसे अब विदा लेते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ लोग यहाँ पर समर्थक हैं, हम उनसे बात करेंगे। सदस्य साहब हैं और भी लोग हैं यहाँ पर, ग्रामीण सब हैं उनसे भी। अच्छा, 2 शब्द सिर्फ कहिए, त्रिवेणी मुखिया जीत कर आए हैं, आप लोगों ने भरोसा जताया है और पूरे भरोसा पे कायम है, किस तरह से कायम है? इस पर भरोसा इसलिए है कि जो हमारे ये हमको युवा मंत्री हैं, हम लोग बदलाव क्यों जरूरी था, बदलाव भी जरूरी था और युवा है हम लोगों के लिए बेहतर काम करेगा, इसलिए हम अच्छा आगे भरोसा करते हैं। देखिए एक और साथी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बदलाव क्यों जरूरी था और त्रिवेणी मुखिया ही क्यों जरूरी था? देखिए सब आदमी जानते हैं कि मछुआरा समाज का पोखरी मखान मलाह का काम है, लेकिन कई साल से दोनों आदमी बैठे थे गद्दी पकड़ के, जाति के नाम पर कुछ नहीं, ठीक है समाज में सब ठीक है, लेकिन जो जाति का चीज़ है वो जाति को नहीं मिलकर अनकास्ट को मिलता है। इसके लिए आज अगर एक तरफा वोट हुआ है, अगर एक तरफा वोट हुआ देखा जाए इसी का परिणाम है और कुछ नहीं है, समाज में सब इंसान रहना चाहिए, लेकिन आज जो वोट का गिनना देखिएगा शायद ऐसा कभी नहीं हुआ था जो आज एक तरफा वोटिंग हुआ है। अब उम्मीद है त्रिवेणी जी से? उम्मीद के साथ खड़े हैं और साथ रहेंगे, साथ खड़े जी जी, पूरा भरोसा भी है, पूरा भरोसा भी है। चलिए एक बुजुर्ग चाचा है उनसे थोड़ा पहल कर लेते हैं, चाचा क्या कुछ कहेंगे, आप बच्चे को किस तरह से आशीर्वाद दिए हैं? बच्चा को हम लोग के आशीर्वाद दिए हैं सर, वो जो था शंभू बाबू हम लोग का कुछ नहीं देता था, पोखर भी दूसरा को, दूसरा जात को, मलाह को कुछ नहीं, इसीलिए हम लोग चुने त्रिवेणी को, ये त्रिवेणी हम लोग को कुछ मदद करेगा इसीलिए चुने। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा भी वीडियो अब यहाँ से अंत होने वाला है, क्योंकि मैं इस बार बिरोल के सोनबहेट गांव में हूँ और सोनबहेट गांव में आज त्रिवेणी मुखिया के घर पे मौजूद हूँ, और आना मेरा खास इसलिए मकसद था क्योंकि त्रिवेणी मुखिया जी जब चुनाव में नामांकन रैली निकाले थे तब इनका जो वादा था वो अब किस तरह होगा, क्योंकि जीत के आ चुके हैं, इसीलिए मैं यहाँ पहुँचा था कि त्रिवेणी मुखिया जी जीत गए हैं और जीतने के बाद इनके जो जन समर्थक है वो काफ़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद है, और जैसा कि चाचा कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे, बोलिए बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, कहना ये चाहते हैं, नाम क्या? जो हमारा उपेंद्र सहनी हुआ, क्या क्या बोलिए, ऐसा उपेंद्र सहनी हमारा तो नाम हो गया, एक बार जो है जगदीश सहनी को हराने के लिए मान के चलिए वो पूरा बिरोल इकट्ठा हुआ, बिरोल इकट्ठा हुआ, बिरोल इकट्ठा होने के लिए जो कि जिताए तो एक ही नाम है शंभू मुखिया, शंभू मुखिया को हम जिताए, ठीक है, बिरोल जैसे इकट्ठा होकर को पूरा समाज में जे कि नोट और वोट दे कर को जिताए, जे कि हमारा लिस्ट में नाम भी होगा त्रिवेणी, उस बार में ये जो सदस्य पद में खड़ा था हम 10,000 रुपया भी दिए थे उसको, आप जीतिए हमको काम दीजिए, ने हमको काम दिया, एक साल काम दिया, दूसरा बार छीन लिया, उसको विरोध में हम त्रिवेणी मुखिया को इस बार हम जितना जितना भारी मतों से जितना हुआ हम जिताए हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ने वाले हैं, क्योंकि ये जीत का जश्न है और चारों ओर से बधाइयां आ रही है।
चारों ओर से शुभकामनाएं आ रहे हैं कॉल पे एसएमएस के द्वारा, तो अब लोग मिलने भी पहुंचने लगे। राजकुमार सैनी आप पहुंच चुके हैं और थोड़ा आगे आ जाइए जी। देखिए किस तरह से त्रिवेणी मुखिया जी के घर पे पहुंचे हैं, उनको बधाई देने, शुभकामनाएं देने, जीत कर आए हैं और मछुआ समाज के लिए बहुत कुछ करने का वादा किए हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे राजकुमार? हमारे लिए आप ये क्या करेंगे? परिवर्तन जरूरी था जी, और ये सत्ता ऐसा जमा के रखे हुआ था, किसी को आम जनता को क्या मल्ला समाज को वैल्यू नहीं दे रहा था, इसलिए परिवर्तन हम लोग चाहा और करके दिखा दिया जी। जी अब कितना उम्मीद है? बहुत उम्मीद है इनसे, समाज का बहुत उम्मीद है जी, इतना उम्मीद है जिसका जवाब नहीं है। जो कर तो दिखाएगा, और ये उम्मीद पर खड़े उतरेंगे तो फिर अगला बार इन्हीं के हाथ में सत्ता सौंपा जाएगा, निकलेगा। अब आप आए हैं, बधाई देने आए हैं, शुभकामनाएं देने आए हैं, क्योंकि रात भर भी जागे हैं। हाँ, हाँ। तो आप चेहरा का, आपका जो चेहरा पे स्माइल देख रहे हैं उससे पता लग रहा है कि आप भी बहुत खुश हैं। नहीं नहीं, हम बहुत खुश है कि बहुत ज्यादा, पूरे समाज खुश है जी, पूरे समाज खुश है इससे। आज पूरा समाज खुश जी जी, पूरा समाज खुश है तो खुश है। चलिए ये कहावत को हकीकत में करके दिखा दिया त्रिवेणी मुखिया ने कि राजा का बेटा राजा नहीं बल्कि जो हकदार होगा वो राजा बन के दिखाएगा, जैसा कि राजकुमार सैनी ने कर दिया। चलिए अगले वीडियो में मुझे भी इजाजत दीजिए, अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए हम भी इजाजत चाहते हैं, धन्यवाद।